जय वैंस भाई भाई जान, अब ये तो कर रहा हूँ, पहले बुला ले बते। तो सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह। अस्सलामुअलैकुम भाई जान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। सही है, आपकी शॉप का नाम क्या है? मेरी शॉप का नाम है नफीस फ्रूट। सही है, आपको कितने साल हो गए ये काम करते हैं? 1948 से शॉप है ये हमारी। माशाल्लाह, और ये फलूदा किस चीज़ से बनता है? फलूदा बनता है ये दूध से, दूध की होती है रबड़ी और शीरा होता है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि दूध की रबड़ी असेरिया है, ये चार एटमे डाल के एक कलर तैयार किया जाता है। तो भाई जान, ये जो फलूदा है ये सिर्फ कसूर के अंदर मशहूर है? ये कसूर के अंदर मशहूर ही है, हमारा फलूदा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, ये हमारा फलूदा पैकिंग हो गए कराची तक जाता है, दुबई तक जाता है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं फलूदा के लिए। ये हमारी शॉप है, ये हमारी इस टाइम ये चौथी पीढ़ी बैठी हुई है यहाँ पे। माशाल्लाह, लोकेशन क्या है अगर कोई आना चाहिए? कसूर मेन बाजार, मेन बाज़ार में ही शॉप हमारी है, नफीस फलूदा एक ही शॉप है के नाम। तो नाज़रीन देखिए, जैसा कि आपने देखा कि फलूदा ये दूध से बनता है, साथ इसके सवाइयाँ होती हैं और साथ ये चीनी आप देख सकते हैं और बर्फ़ देख सकते हैं। और इनकी माशाल्लाह दुकान 10 साल से तो मैं जानता हूँ और बहुत पुरानी दुकान है। जैसा कि उन्होंने बताया, उनकी जो चार पुश्तें इधर काम यानी कर रही हैं, कर चुकी हैं उससे पहले भी। तो अगर आपने कसूर के अंदर आना है और आपने फलूदा खाना है तो आप कसूर का जो नया बाज़ार है उसके अंदर आएँ और नफीस फलूदा शॉप पे आएँ। इनका फलूदा बहुत ही अच्छा है, आपको फलूदा की शॉप बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपने असली फलूदा खाना है और अगर एक नंबर फलूदा खाना है तो वो है नफीस फलूदा शॉप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाफिज़ गुलाम उस्मान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अभी अवैध भाई आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि नफीस फलूदे का टेस्ट कैसा है। जी अवैध भाई, भाई जान अभी तो कर रहा हूँ, पहले बुलाने लगे। तो सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अवैध भाई मिक्स कर रहे हैं। होता है अपनी मर्जी के मुताबिक, ये मीठा है अपनी मर्जी के मुताबिक मीठा करना है। उसके बाद ये रबड़ी डालनी है, अगर मीठा ज़्यादा लगे तो फिर भी ये डाल दें, ताकि ना रबड़ी मेरे लिए भी छोड़ देना सारी, आप मत डालना। नहीं डालता क्योंकि मुझे रबड़ी बड़ी पसंद है। उसके बाद ऐसे मिक्स करके देन टेस्ट करना है। ये वैस भाई कैसा है? ज़बरदस्त है भाई। पहले भी आपने कभी खाया कि पहले मतलब खा रहे हैं? पहले भी खाया है, लेकिन ना आज टेस्ट आ रहा है पहले से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहले जब भी कभी खाया ना तो फ्रेंड्स के साथ होते हैं, प्रॉपर टेस्ट के लिए नहीं खाया, फन के लिए खाया, लेकिन आज प्रॉपर टेस्ट के लिए खा रहा हूँ तो फील भी आ रहा है। थैंक यू वैस भाई।